नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। इस वक्त हम वसई में उपस्थित हैं। आपको बता दें, अंबाड़ी रोड की तरफ जाता हुआ ये जो पुराना ब्रिज है, इसके मरम्मत का काम काज शुरू है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे एक पोस्टर लगा हुआ है, जिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यह सड़क ऊपरी पुल मरम्मत कार्य के लिए दिनांक 2 से 12 तक बंद किया जा रहा है। इस वजह से यहाँ पर वाहतूक जैसी कोई समस्या ना उत्पन्न हो, इसलिए सभी से आह्वान किया गया है कि इस पुल के बजाय दूसरे पुलों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपको बता दें, ये जो यहाँ पर बैनर लगा हुआ है, ये वेस्टर्न रेलवे द्वारा लगाया गया है। अभी जो आवाजाही है दोनों तरफ की, आप देख पा रहे होंगे ये जो नया वाला ब्रिज है, इस पर से ही सभी का गुजरना हो रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, तकरीबन 2 से 3 सालों पहले से ही इस ब्रिज पे से सिर्फ हल्के वाहन गुजरते हैं, लेकिन अब इस ब्रिज का मरम्मत कार्य शुरू होने की वजह से यहाँ पर वाहतूक बंद कर दिया गया है। यहाँ से वाहन नहीं आ जा सकते हैं। इस वजह से अब नए वाले ब्रिज से चाहे हल्के वाहन हो या भारी वाहन हो, सभी को वहीं से गुजरना होगा। इसके अलावा अब तकरीबन 2 से लेकर 12 तारीख तक यहां पर ट्रैफिक जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं सुबह और शाम के समय, क्योंकि सभी अपने कामकाज की तरफ बढ़ते हैं और ऐसे में ट्रैफिक जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे इस ब्रिज पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगा दी गई है दोनों तरफ से। इस ब्रिज से आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो चुकी है और यहां पर रिक्शा चालकों की लंबी कतार लगी हुई है CNG भराने के लिए। आपको बता दें, जब तक ये ब्रिज बंद रहने वाला है, तब तक यहाँ पर ये रिक्शा चालक CNG भराने के लिए इस स्पेस को इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर वो कतार में लगे हुए हैं। अभी हाल फिलहाल 12 तारीख तक यहाँ से गुजरने वाले सभी राहगीरों को ट्रैफिक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।